मौर्या लोग सुनसान हो गया है, मौर्या लोग में कुत्ता रोता है, कोई कस्टमर ही नहीं आता है। देखिए कितना है सारा, कोई आदमी नजर आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, नहीं तो शॉपिंग करने वाला बहुत सारे कस्टमर आते थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, एस एस आई ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त हम हैं पटना के मौर्या लोक के परिसर में। हम हैं यहाँ पर, हमारे पीछे जब देखिएगा तो पार्किंग की एक नई सुविधा दी गई है स्मार्ट पार्किंग की ओर से। पार्किंग मौर्या लोक पे नई व्यवस्था लागू होने से इनके परिवार के दाने के लाने हो गए हैं, इनके पास कोई आना ही नहीं चाहते हैं। पार्किंग की सुविधा होगी तो बाइक या फोर व्हीलर लोग नहीं आते हैं। आप यहाँ पर जो भी बाइक या फोर व्हीलर देख रहे हैं, इनकी जो दुकान बड़ी बड़ी है उनकी है, कस्टमर एकदम नज़ारत है। छोटे छोटे जो बेचने वाले फुटपाथी भरते हैं वो भी नज़ारत है। यहाँ जब दृश्य देखिएगा तो बिल्कुल सन्नाटा है। कुछ दुकानदार ने बताया थे कि यहाँ पर अब कुत्तर होता है, ऐसे ही एक दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? इतने सुस्त किए हुए हैं, क्या करें, काम है धाम नहीं है तो क्या करें। आप तो मेहंदी तो लगा रहे हैं। हाँ, मेहंदी लगा रहे, बोहनी तीन चार दिन बोहनी कर रहा है। क्या ऐसे क्यों हो गया है? अब क्या हो गया, पार्किंग की लगे से कस्टमर नहीं आता है। अब क्या, बस अब यही है, बैठल है, लोग आना नहीं चाहते हैं। आना अब तो अब जिसको जरूरी वो आता है, नहीं है तो नहीं आना चाहता है। बताइए आप, बताइए क्या नाम। पार्किंग लगने से काम धंधा नहीं चल रहा है, तीन दिन से बोहनी नहीं किए हैं, बिल्कुल मार्केट खाली है, दुकानदार का भी काम धाम नहीं है, पूरे मार्केट खाली, रेडी पटरी वालों का काम ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल काम, कस्टमर नजर ही नहीं आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। आशीष बताओ, ये पार्किंग नया व्यवस्था लागू हुआ है तो कैसा व्यवस्था है, धंधा पानी? कुछ नहीं, सब मंदा मंदा चल रहा, आप देख रहे होंगे खुद ही, पूरा दम मंदा मंदा चल रहा, पहले जैसा नहीं चल रहा, सुनसान हो गया है। मौर्या लोक में कुत्ता रोता है, कोई कस्टमर ही नहीं आता है। देखिए कितना है सारा, कोई आदमी नज़र आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, नहीं तो शॉपिंग करने वाला बहुत सारे कस्टमर आते थे, मेहंदी के लिए जो भी लगाने के लिए, कोई कस्टमर ही नहीं। जब गाड़ी एंट्री नहीं करेगा कस्टमर आएगा नहीं तो हम लोग बैठे ना रहेंगे, टाइम पास करके घरे चले जाते हैं। यही सब सुविधा है, नगर निगम को सोचना चाहिए, पार्किंग हटाना चाहिए, यही सब होना चाहिए। व्यवस्था कैसा है पार्किंग लगाने का? पार्किंग लगाने की कोई व्यवस्था नहीं, एंट्री करिए उसके बाद जहाँ मर्जी है जहाँ गाड़ी लगा दीजिए, कोई पता नहीं। वो भी एक दो कस्टमर आ रहे, जो ज़्यादातर तो दुकान वाला ही गाड़ी है, यहाँ कस्टमर का गाड़ी कहाँ आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, सारा दुकान वाला का ही है। हम लोग का तो काम ठप कर दिए नगर निगम। बहुत कम हो गया सर धंधा पानी। क्या वजह हो सकता है? वजह कि सब गेट बंद हो गया है, कस्टमर अंदर नहीं आ रहे हैं। पहले खाने पीने की रेडी अंदर लगती थी तो कस्टमर उसके वजह से भीड़ लगती थी, तो सबका रोज़गार अच्छा चलता था। बस यही कमी है कि सब गेट बंद हो गया है, सब रोज़गार बाहर चले गए तो कस्टमर आना बंद हो गया। आप बताओ जी, क्या मौर्या लोक में पार्किंग लगे से बहुत सारा दिक्कत है, कस्टमर नहीं आ रहा है, यहीं बैठ के टाइम पास करके चल जाते हैं घर, एकदम नहीं आ रहा है ना? जी नहीं। मेरा नाम राजू कुमार है। क्या कारोबार है? झोला बेचते हैं। क्या लग रहा है अभी तो बहुत सन्नाटा लग रहा है, एकदम कहना मुश्किल है, एकदम तबाह है आदमी। क्यों? बाजारे नहीं है, है? सुबह से शाम तक बैठे रहते, दो चार को झोला बेच के चले जाते हैं, जहाँ 20 को 22 को बेचते थे 50 को झोला, ये तो हाल है। जैसे जैसे शाम होता है उससे एकदम वीरान हो जाता है। जब पार्किंग लगाया जब से सब दुकानदार तबाह है, इसमें क्या कहा जाए, मेयर नया मेयर बने हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। लोग लो भी गए थे बैट करने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा बात किया फिर मीटिंग में निकल गए, कुछ बातों नहीं करते हैं लोग। सब लोग अपना रोना रो दिए हैं। अब देखना है पटना नगर निगम के बड़े बड़े पदाधिकारी, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो फिर तमाम अहदे पर, या फिर नगर निगम में बिहार सरकार का, इनको भी सोचना चाहिए। इसी मौर्य लोग से ऐसे सैकड़ों फुटपाथी दुकानदार है जो यहाँ से डेली लोग कमाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज इनकी स्थिति हो गई है कि तीन दिन चार दिन हो जाता है लेकिन इनका बोहनी तक नहीं होता है, छोटे छोटे दुकान सब उजड़ गया है। अब जब देखिएगा तो कुछ इक्के दुक्के दुकान ही बच गया है, बाकी अब मौर्या लोग आप सरपट घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। वैसे भी मौर्या लोग अभी घूमिएगा तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि कोई गाड़ी मोटर कुछ है ही नहीं, जो भी गाड़ी मोटर लगी हुई है वो सब बड़े बड़े दुकानदारों का है, बैंक में कार्य करने वाले सरकारी ऑफिसरों का है। SSI ट्यूब आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।